इस वक्त जो स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ खूंखार अपराधी रजा खान उम्र 20 वर्ष की है, जिसने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी चैतमा अंतर्गत एक बहुत ही खूंखार और दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले घटना यानी कि हत्या को अंजाम दिया है। इसने 26 वर्षीय एक युवक की अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर रोंगटे खड़े देने वाला हत्या कर दिया, निर्मम हत्या कर दी 26 वर्षीय युवक की, जो कि झारखंड निवासी बताया जा रहा है, जिसके हत्या के पश्चात 1, 2, 4, 5 नहीं वरन कुल 18 टुकड़े शव के कर दिए और उन्हें बोरियों में ठिकाने भी लगा दिया। पूरी खबर पर बने रहिए, हम एक एक टुकड़ा पन्ना दर पन्ना पलटकर आपके सामने रखेंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर किस वजह से इसने एक निर्दोष की हत्या कर दी, आखिर क्या वजह रही और वह नाबालिग प्रेमिका कौन थी। यह पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चैतमा चौकी की। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचना मिली कि गोपालपुर चौकी चैतमा के डेम के बोरी में कटे हुए कई टुकड़ों में शव बरामद की गई। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या का पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को किसी धारदार हथियार से टुकड़ों टुकड़ों में उसे विभाजित कर फेंक दिया गया है। सूचना पर थाना पाली में मर्ग कायम कर पंजीबद्ध कर कार्रवाई पंचनामा लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नेहा वर्मा, SDOP कटघोरा पंकज ठाकुर, FSL सीन ऑफ क्राइम यूनिट कोरबा के प्रभारी सत्यजीत कोसरिया एवं थाना पाली चौकी चैतमा सहित साइबर टीम को इस मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देश पर उपरोक्त अधिकारियों की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई पंचनामा की गई। मृतक का शव दो बोरियों के साथ साथ एक पिट्ठीनुमा बैग में गोपालपुर डेम से बरामद किया गया। शव के टुकड़ों के साथ मिले आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं फ्लाइट टिकट के आधार पर मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम अंसारी, पिता मोहम्मद जमीर अंसारी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी कांतातोला रांची झारखंड के रूप में की गई। मोहम्मद वसीम पिछले 2 वर्षों से सऊदी अरब में रहता था। मृतक के जुड़े पहलुओं की जांच पर यह तथ्य सामने आए कि मृतक की सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम बांसटाल चैतमा थाना पाली की एक अवयस्क यानी कि नाबालिग से परिचय हुआ करता था। वे एक दूसरे से चैटिंग करते रहे। बालिका और आरोपी रजा खान पिता अब्दुल सत्तार खान उर्फ बादशाह उम्र 20 वर्ष निवासी बांसटाल चैतमा थाना पाली जिला कोरबा एक दूसरे को चाहते थे। अब इसके बालिका द्वारा रजा खान को पूर्व प्रेमी मोहम्मद वसीम के सऊदी अरब से वापस आने की जानकारी बताई गई, जिस पर यह सोचकर कि विदेश से आ रहा है तो काफी रुपए पैसे लेकर आ रहा होगा। तो वहीं इस खबर को यहीं रोकते हैं और बीच का बात बताते हैं। जब नाबालिग लड़की से यानी कि नाबालिग बालिका से मृतक की पहचान हुई, दरअसल ट्रेन में उनकी पहचान हुई, 6 महीने तक उनसे चैट होते रहे, बीच बीच में चैटिंग के माध्यम से वे वीडियो कॉलिंग में संपर्क में आते रहे। नाबालिका उसे रिझाने हेतु मीठी मीठी बातें करते रही। मृतक वसीम अंसारी ने अपनी मांग रखते हुए उससे कहा कि वे एक दिन अधनग्न अवस्था में उसे वीडियो में दिखे। उसने ऐसा ही किया। उसके पश्चात उसकी ख्वाहिशें बढ़ गईं और उसने कहा, आप पूरी नग्न अवस्था में मेरे सामने आइए। उसकी बात मानते हुए नाबालिका ने उसे रिझाने हेतु नग्न अवस्था में भी उससे बात की। अब प्रेम का खुमार इस कदर बढ़ गया कि नाबालिका के छोटे मोटे खर्च वह UPI के माध्यम से कर दिया करता था। अब उसने मिलने की इच्छा जताई। प्रेमी वसीम ने जब मिलने की इच्छा जताई तो नाबालिका ने इस बात को मान लिया और प्रेमी वसीम ने भारत छत्तीसगढ़ आने का फैसला लिया, जिसकी जानकारी नाबालिका ने अपने दूसरे या कहना चाहिए पहले प्रेमी रजा खान को दी। अब बढ़ते हैं कहानी के अगले चरण पर।
मिलने की चाहत में मोहम्मद वसीम अंसारी के दिनांक 1/7/2024 को। मोहम्मद वसीम अंसारी वही है जो कि सऊदी में वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिका से बातें करता था। अब वह आने की तैयारी में है। दिनांक 1/7/2024 को फ्लाइट से दिल्ली और दिल्ली से रांची और दिनांक 2/7/2024 को ट्रेन से बिलासपुर आता है। तो वहीं आरोपी रजा खान द्वारा किराए पर उपलब्ध कराए गए बोलेरो वाहन में प्रेमिका बिलासपुर गई और वसीम को लेकर आरोपी रजा खान के घर आ गई। प्लानिंग के अनुसार रात्रि करीब 11 बजे आरोपी रजा खान की प्रेमिका और मोहम्मद वसीम बातें कर रहे थे कि रजा खान ने पीछे से एक लोहे का कट्टा मुर्गी काटने वाले हथियार से वसीम अंसारी के गर्दन के पीछे दे मारा, जिससे मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया। वसीम तड़पने लगा। प्रेमिका वसीम का पैर पकड़े थी और रजा खान ने ताबड़तोड़ वार कर सिर को धड़ से अलग ही कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर वसीम के हाथ पैर धड़ को टुकड़े टुकड़े में कत्ता एवं आरी ब्लेड से काट कर अलग अलग तीन प्लास्टिक की बोरियों में, जो कि पिट्ठी नुमा बैग एवं ट्रॉली बैग में ईंट डालकर बांध कर बांगो डैम में फेंक दिया। सवेरा हो जाने से शव के शेष बचे हिस्से को घर में छिपाकर रख दिया था, जिसे दिनांक 3/7/2024 की रात्रि लगभग 11 बजे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से गोपालपुर डैम में फेंक कर घर वापस आ गए। मृतक वसीम द्वारा पहनी हुई सोने की चैन और अन्य सामान घर में छिपा दिया। प्रेमिका को मृतक के मोबाइल का पासवर्ड पता रहने से वसीम के मोबाइल के यूपीआई आईडी चेक करने पर खाते में 3 लाख रुपए थे, जिसे तथा कुछ अन्य खातों में ट्रांसफर कर प्रेमिका के लिए ज्वेलरी तथा अपने लिए मोबाइल व किराए का बोलेरो पेमेंट कर दिया। आरोपी रजा खान पिता अब्दुल सत्तार उर्फ बादशाह उम्र 20 वर्ष निवासी बांसाटाल चैतमा थाना पाली जिला कोरबा को गिरफ्तार कर उड़ीसा से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में कत्ता मोटरसाइकिल एवं मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया। तो वहीं आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर प्रकरण की सह अभियुक्ता विधि से संघर्षरत बालिका की सामाजिक प्रस्तुति फॉर्म भरवाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो वहीं कोरबा पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक उक्त कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविंद्र कुमार मीना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पाली निरीक्षक चमन लाल सिन्हा, चौकी प्रभारी चैतमा चंद्रपाल खांडे, विमलेश भवन एएसआई पुरुषोत्तम ओके, आरक्षक अनिल कुर्रे, आशीष साहू तथा साइबर टीम के प्रधान आरक्षक राजेश कंवर, चंद्रशेखर पांडे, आरक्षक रवि चौबे, डेमन ओग्रे, बी ए केशवर प्रताप सिंह, आलोक टोपो, सुशील यादव, सुषमा डहरिया एवं थाना पाली चौकी चैतवा के कर्मचारियों की अहम भूमिका रही और सराहनीय भी रही। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से यह तो स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों युवक व युवतियां एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो रही हैं और कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में भी वे अपने आप को झोंक दे रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण इस खबर से प्राप्त होती है। इस तरह के अनेकों अपराध क्षेत्र में न जाने कब और किस दिन सामने आए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस घटना के आरोपियों जिनमें मुख्य रूप से नाबालिग बालिका है, फिलहाल वह न्यायिक अभिरक्षा में विधि से संघर्षरत प्रतिष्ठित फॉर्म भरवाकर उसे किशोर न्यायालय में भेज दिया गया है। तो वहीं हत्या कर 18 टुकड़े करने वाले शव के आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है। अब वह जेल की हवा खा रहा है। अब मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती आप सबों से लेता हूं विदा। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, करें हमें सपोर्ट। मिलते हैं अगले खबर पर। हम भ्रष्टाचार को भी यूं ही उजागर करते हैं। मित्रों सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना सहयोग प्रदान भी करें। तो चैन से सोना है तो अब जाग जाओ
और प्रतिष्ठा से जीनी है तो जागरूक हो जाओ। जय हिंद।